बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, मैं हूँ आपके साथ सुमैरा मिर्ज़ा। तो अहम मामला ज़ेरे बहस लाएंगे प्रोग्राम के आगाज़ में नाज़रीन के, अमरीका ने पाकिस्तान की अस्करी इमदाद रोक ली है और अमरीका की तरफ से एक बार फिर से दहशतगर्दी की खिलाफ जो जंग है उसमें फैसला कुन कार्रवाई में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया गया है अमरीका की तरफ से और 30 करोड़ डॉलर की फ़ौजी इमदाद रोक ली गई है। वाज़ह रहे कि अमरीका के खारजा ऑफिस से आला अफसरान की भी अगले हफ्ते आमद मुतवक्के है। इस मुलाकात पर अमरीका के इस अमल का क्या इम्पेक्ट होगा और वजह क्या है इस इमदाद को रोकने की, वो भी इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, पंजाब में नया बलदियाती निज़ाम लाने की प्लानिंग चल रही है जिसके लिए मौजूदा बलदियाती इदारों को ख़त्म किया जाएगा, नया बलदियाती ऑर्डिनेंस असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा जिसमें बकौल इमरान खान साहब बलदियाती इदारे खुद मुख्तार होंगे और वसी इख्तियारात भी दिए जाएंगे। उन्हें ज़िले नाजिम और तहसील नाजिम बराह रास्त आवाम के वोट से मुंतखब होंगे। और इसके अलावा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम दो मौजूद शामिल करेंगे जिसमें हुकूमत के तहत मुल्क भर में एक रोज़ा शजरकारी मुहिम का आज आगाज़ किया इमरान खान साहब ने और कितना अहम कदम है ये पाकिस्तान की ग्लोबल वार्मिंग को से मुतासर होने से बचने के लिए। और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सदारती इंतखाब पर भी, जिस तरह अभी हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं वो अपने उम्मीदवारों पर बज़िद हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये अहम ओहदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में जाता दिखाई दे रहा है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलूँ, इरशाद आरिफ साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सर आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। इसके अलावा जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब भी प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे, सर आपको भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अजमल वज़ीर साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, सर आपको भी वेलकम करती हूँ। इरशाद साहब, डू मोड़ की रट लगाने वालों ने 30 करोड़ की अस्करी इमदाद रोक ली है, मकसद क्या है, क्या वाकई उन्हें ये पाकिस्तान की नाकामी लगती है जबकि सबसे ज़्यादा मुतासर होने वालों में पाकिस्तान खुद है? देखिए, असल में हमारी जो ये बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि सबका दोनों हुकूमतें अपना केस, पाकिस्तान का एक मजबूत केस जो है दुनिया के सामने पेश ही नहीं कर सकें। और वो केस हमारा ये है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जंग कामयाब जंग है और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं, यानी 10,000 तो हमारे फ़ौजी शहीद हुए हैं जिसमें जर्नेल सतह के फ़ौजी शामिल हैं, दूसरी जंग अजीम में भी ये इतने फ़ौजी इस आला ओहदे के फ़ौजी जो है नहीं मारे गए, 70,000। और ये क्यों हुई ये जंग जो है, इसके पीछे कौन था? इंडिया है जिसने हमेशा काबुल को और अफ़गानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी, आज देख लें क़यादत वहाँ बैठी हुई है, इंडिया की राह वहाँ मौजूद है, वो साजिशों में शरीक है, उसने इर्द गिर्द के ममालिक में अपने बिठाए हुए हैं, ट्रेनिंग कैंप बनाए हुए हैं, लश्कर जंगवी की क़यादत वहाँ मौजूद है और जो एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं और वहाँ से पाकिस्तान पर हमले होते हैं। आज अगर हम मुवाजना करें, जहाँ जंग लड़ी गई है बाकायदा अफ़गानिस्तान में और 43 मालिक की फ़ौज आई है, वहाँ लोग कितने कत्ल हुए दहशतगर्दों के, जिन्हें वो दहशतगर्द करा देते हैं, उनके हमलों में और पाकिस्तान में कितने कत्ल हुए। तो हम ये बावर नहीं करा सके दुनिया को बावजूद कि जनाबे वाला हम दहशतगर्द नहीं हैं या दहशतगर्दी की पनाह गाहें हमारे यहाँ नहीं हैं, हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, पनाह गाहें अफ़गानिस्तान में हैं और ट्रेनिंग जो है इंडिया दे रहा है। एक तो इशू ये है, दूसरा इशू ये है कि हमने हमेशा एक रोल अदा किया है इस खित्ते में प्रॉक्सी का और अमेरिका ने हमें हमेशा यूज़ किया। अब अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि वो जंग जो सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में हारी थी, उससे पहले बरतानिया ने हारी थी, उससे पहले भी जिसने भी अफ़गानिस्तान में दाखिल होकर कब्ज़ा जमाने की कोशिश की उसको शिकस्त हुई और अमेरिका को भी शिकस्त हो चुकी है। अब जब ट्रंप साहब आए तो उनकी पहले तो उनकी तकरीरें ये थी कि जो मैं तो इस जंग को अपनी जंग नहीं समझता, हम तो निकल जाएंगे, लेकिन फिर जब वो आए इस्टेब्लिशमेंट के नरगे में तो उन्हें बावर कराया गया कि नहीं जनाब, नहीं इस तरह हम नहीं निकल सकते, ये जंग हमने नहीं हारी, ये जंग हमें हराई गई है और उसमें पाकिस्तान का अहम किरदार है। हम दुनिया को ये बावर कराएं कि एक हमें कुर्बानी का बकरा चाहिए और कुर्बानी का बकरा जो है वो पाकिस्तान है। तो ये पट्टी किसने पढ़ाई, इस्टेब्लिशमेंट की अपनी पढ़ाई हुई या भी इंडिया की पढ़ाई हुई, क्योंकि आजकल इंडिया जो कहता है अमेरिका उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, आज एक सीनियर तजिया कार और एडिटर
कि हाँ एक सुबह की नशिस्त थी जिसमें तीन डिप्लोमेट थे, उसमें एक अमेरिका में हमारे कौंसल जनरल भी थे, उसमें डॉक्टर अली एजाज थे, उसमें डॉक्टर इसरार थे, उसमें डॉक्टर अली अराई थे, उनसे एक तबादला ख्याल रहा और मेजर आमिर साहब थे और तजिया का सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे। उसमें यही रोना रोया जा रहा था कि जनाब वाला हमें ऐसे मौजूआत तो दिए गए सबका हुकूमतों की तरफ से कि इनको आप दुनिया में फ्लोट करें, लेकिन ये जो अहम इशू था हमारा इस पर हमें बहुत ज़्यादा फौज की तरफ से तो इनपुट मिलती रही, लेकिन हुकूमत की तरफ से बहुत जो है वो आर्मी सतह पर अपना ये मौका बनाने में नाकाम रही है। तो ये जो अब सूरत हाल है अब हम रिवर्स करनी पड़ेगी। इत्तेफाक से पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जिसके फौज के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ये 8 घंटे की ब्रीफिंग जो है वो उसने एक मैसेज दिया है, पूरी कौम के लिए वो जो डेडलॉक है वो ख़त्म हो गया है। तो अगर हम दुनिया को ये बावर कराएं, ठीक है अमेरिका तुला हुआ है बदमाशी पे, लेकिन अमेरिका को भी हम बावर करा सकते हैं और दुनिया का दबाव उस पर बढ़ा सकते हैं कि जनाब आप अपनी जंग अगर लड़ना चाहते हैं और तालिबान से मुज़ाकरात के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ अमन हो, तो पाकिस्तान का किरदार मुसालहत कुनिंदा का होना चाहिए। वो तालिबान को मेज़ पर लाने के लिए अपनी कोशिशें कर सकता है, लेकिन ये तवक्को ना करें कि पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान में दाखिल हो, आपकी लड़ाई लड़े और वही अंजाम हो जो आपका हुआ है या सोवियत यूनियन का। जनरल साहब 2017 की जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हमने देखा कि 5 करोड़ डॉलर की अदायगी रोकी गई थी, तब भी हकानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई ना करने का इल्ज़ाम था पाकिस्तान पर। तो सर इस बार वाकई डूम और का मुतालिबा है या फिर कोई ज़ाती वजह है अमेरिका की जो अब अमल किया गया? सुमेरा थैंक यू वेरी मच। देखिए ये एक बहुत पुरानी रविश है अमेरिका की कि वो जब भी, और अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस की कि जब भी उन्होंने कोई अपनी बात मनवानी होती है तो वो पाकिस्तान पर दबाव डालते हैं, कभी वो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, कभी वो इकोनॉमिक प्रेशर होता है, तो इस तरह वो टेल ट्विस्टिंग करके अपनी बात मनवा लेते हैं। और माजी में हमने देखा है कि उनके दबाव के तहत हमने बहुत बड़े ऑपरेशन या इस वॉर में चले गए और फिर इसी तरह इकोनॉमिक क्वेश्चन करके उन्होंने अपनी बात मनवा ली। तो अब भी वो ये जो कोअर्सिव डिप्लोमेसी है वो कर रहे हैं। एक तरफ तो माइक पोम्पियो विजिट पर आ रहे हैं 5 तारीख को और एक तरफ उन्होंने हमारी जो कॉलिशन सपोर्ट फंड था 30 करोड़ की, ये आप देख रहे हैं कि उन्होंने बंद कर दी है, और जो म्यूचुअल असिस्टेंस फॉर ट्रेनिंग थी हमारे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की उसको भी उन्होंने कट ऑफ कर दिया। तो ये कोअर्सिव डिप्लोमेसी का हिस्सा है और वो अभी उन्हें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक मुश्किल सिचुएशन में है, तो वो उसी लीवर को मज़ीद टाइट करना चाहते हैं और यूज़ करते हुए वो पाकिस्तान से अपनी शराइत मनवाना चाहते हैं। अभी मसला ये है अफ़गानिस्तान का कि अफ़गानिस्तान में उनको कामयाबी नहीं हुई जो वो चाह रहे थे, और अपने इस फेलियर को वो एक्सटर्नलाइज करना चाहते हैं और वो अपने टैक्स पेयर्स को मुल्क के अंदर और स्ट्रेटजिकली वो दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि हमारी मुश्किलात में इजाफा पाकिस्तान के नॉन कोऑपरेशन की वजह से हुआ है, अगर पाकिस्तान असिस्ट न करे तालिबान को तो हम ये जंग जीत जाएंगे। अब इस नैरेटिव को वो लेकर, लेकिन ताकतवर मुल्क है वो, जहां उसकी आवाज़ पहुंचती है वो पहुंचा सकता है, और इस तरह पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाना चाहता है। लेकिन मौजूदा मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप आई एम श्योर इंशाल्लाह कि ये किसी प्रेशर को इस तरह कबूल करने वाले नहीं हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने लास्ट ईयर डिफेंस डे पर जो स्पीच की थी उन्होंने बड़ा वाजे कह दिया था कि नो मोर, हमने जो करना था हम कर चुके हैं, अब नाउ इट इज़ द टाइम फॉर अदर्स टू डू मोर। अब उस पॉलिसी को वो लेके आगे चल रहे हैं और हम हर वो ऑपरेशन करेंगे और किया है जो पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर हमने टेररिज्म को बहुत अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह फाइट किया है और बहुत हद तक हमें बड़ी कामयाबी भी मिली है। अब पूरे मुल्क में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद की सूरत में, लेकिन अब हम किसी इशारे पर या किसी दबाव पर आकर
उस तरह की जंग नहीं लड़ सकते और हर उस साय का तआक्कुब नहीं कर सकते जिसके पीछे हमें NDS लगाना चाहती है, CIA लगाना चाहती है और रॉ लगाना चाहती है, क्योंकि इस वक्त उनका दुखड़ा बड़ा मुख्तलिफ है। अमेरिका और इंडिया को जो बात हजम नहीं हो रही, मैं कुछ मीटिंग्स में विटनेस हूँ, एक तो वो आज तक हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डाइजेस्ट नहीं कर सका अमेरिका, उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान ने ये सलाहियत क्यों हासिल कर ली और अब वेपनाइज भी कर चुके हैं और अब वो स्टेज पे हैं जहां उन्हें दबाकर इसको ट्विस्ट वापस नहीं, रोल बैक नहीं करवाया जा सकता। और दूसरा, अब जो मौजूदा एक सूरत हाल बन गई है CPEC की, वो नहीं चाहते कि रशिया और चाइना हमारे वार्म वाटर्स को एक्सेस करके गवादर पोर्ट से फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठाए और चाइना का और रशिया का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ जाए। अब इन दो असल उन्होंने ये दो बातें मनवानी है, ये जंग एक फसाद है, एक बहाना है, जो अफगानिस्तान में तालिबान की मदद है वो एक सामने रखने के लिए एक पॉइंट है। हकीकत में उनको भी पता है कि ना हम एज अ स्टेट पॉलिसी ऐसा काम कर रहे हैं, न कोई ऐसे उनके पास शवाहिद हैं, कोई ऐसी सेंचुरीज नहीं है जिनको एज अ स्टेट पॉलिसी हम फैसिलिटेट कर रहे हों। तो इन दो एंड्स को हासिल करने के लिए वो हम पर दबाव डालना चाहते हैं और मेरे ख्याल में हमने ये दबाव बहुत फेस किए हैं, पूरी सेंक्शंस भी फेस किए हैं, हर तरह की पाबंदियां हम फेस कर चुके हैं, इंशाल्लाह वी विल सेल थ्रू। ठीक हो गया सर। अजमल वजीर साहब, आप भी सुन रहे होंगे सिविल गवर्नमेंट से अब उम्मीदें हैं हर किसी को, खान साहब ने इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी हमने देखा कि दो टोक मौकफ अपनाया है अमेरिका के मामले पर। अगले हफ्ते माइक पॉम्पियो से मुलाकात भी है, तो सर क्या रद्द अमल होगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अमरीका के इस अमल पर? देखिए, मैं तो शुरू यहाँ से करूँगा कि माजी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि कुछ शेर दे लोग भी जालिम सन तो कुछ सानू ही मरण दा शौक सी, मुनीर नियाजी साहब की जो शेर है, क्योंकि पहले हमारी भी पॉलिसियाँ कुछ ऐसी रही है टू बी वेरी फ्रैंक कि जिसकी वजह से हमें ये सारे दिन देखने पड़ रहे हैं। और जो अगर आप देखें, जब माजी में हुकूमतों में आपने हुसैन हक्कानी जैसे लोगों को वहाँ पर सफ़ीर लगाया था तो ये दिन तो देखने पड़ते थे। पहली बात तो ये है कि हम एज़ ए मुल्क पाकिस्तान के अवाम में जान है, करंट है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर टाइम बींग मुश्किलात तो हमें फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान की अवाम ने मौजूदा जो ये इलेक्शन हुए उसमें इमरान खान जैसे लीडर को सामने लेकर आए और उन्होंने पहले दिन, वो जब आपने पहला स्पीच उनका देखा होगा उसमें उन्होंने बड़ा क्रिस्टल क्लियर कहा था कि भाई ये जो अब ताल्लुकात होंगे ये इस बुनियाद पे नहीं होंगे, ये बराबरी के बुनियाद पे होंगे और इसमें ये नहीं होगा कि सिर्फ वो जो डू मोर की पॉलिसियाँ हैं जो पहले हो चुकी है वो हम काफ़ी बर्दाश्त कर चुके हैं, मज़ीद वो नहीं होंगे। इसकी हवाला से पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, मेरा खुद अपना ताल्लुक वज़ीरिस्तान से, पिछले 13-15 साल से मैं खुद इन चीज़ों में रहा हूँ, जर्गों में भी रहा हूँ, अपने हालात देख चुका हूँ, क्या क्या पाकिस्तान की आवाम ने, हमने क्या फेस किया, पूरे पाकिस्तान की आवाम ने क्या फेस किया, हमारी फौज ने क्या फेस किया इस जंग के हवाले से। अब वो जो हमारी पॉलिसियाँ हैं, अगर अमेरिकन का ये ख्याल है कि इस तरह का प्रेशर ट्रैक्टर्स करके वो पॉलिसियाँ, और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें वो ये हैं कि इस वक्त हमारी जो फौज है और हमारी जो सियासी क़यादत है वो सेम पेज पे नहीं है, सिर्फ वो सेम लाइन पे भी है, वो जो पेज के अंदर लाइन होता है उसमें भी सेम लाइन पे, तो इंशाल्लाह ताला अब वो वाले हालात नहीं है। हम इंशाल्लाह इसका आप देखेंगे, मुकाबला करेंगे, जो पाकिस्तान के इंटरनल हालात हैं, जो हमारी माशी हालात हैं, ये जो मुल्क को लूटा गया है जिस तरीके से, जब इन सारी चीज़ों को हम अपने इदारों को मजबूत कर लेंगे तो हमें ये थ्रेट्स है कि जी इमदाद नहीं देंगे, भाई एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा ना दे, तो वो चीज़ें अब ख़त्म होने जा रही है और ये जो 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 पहले होता रहा है ये अब मुल्क में नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तानी कौम, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि पाकिस्तानी कौम ने इससे भी बड़े हालात फेस किए और हम इंशाल्लाह फिर फेस करेंगे, क्योंकि मुल्क ही कटी है और इंशाल्लाह ताला कौम ही कटी है, वो जो है ना इन चीज़ों से, अब ये जब से ये कल से ये ऐलान हुआ है आप देखें अवाम में, मैं देख रहा हूँ कि इसमें उनकी ये जो इमदाद है या ये जो चीज़ें इसके
हवाले से अगर आप देखें तो हमारी जो कुर्बानियाँ हमने कितना नुकसान उठाया हुआ है और इनका आप इमदाद उठा कर दे रहे, ये जो कोलेशन स्पोर्ट फंड है ये कोई हमारे पर एहसान नहीं कर रहा है, ये वो पुराने बिल्स है जो हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो उनके बिल जो पुराने इन्होंने देने थे वो अभी तक नहीं दिए, पुराने वाले बिल हमारे अभी तक उनके जिम्मे पड़े हुए। यानी अब ये कहा जा सकता है कि अब सिविल मिलिट्री की तरफ से का जवाब जो है वो नो मोर में ही आएगा। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मौजूदा बलदियाती इदारों को खत्म करके नया बलदियाती निज़ाम लाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे, साथ ही रहेगा। ब्रेक में खुश आमदीद नाज़रीन, इरशाद साहब ज़राए के मुताबिक मौजूदा जो बलदियाती इदारे हैं उनको ख़त्म करके अब नया निज़ाम लाने की बातें हो रही हैं। हमारा आइन वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ लोकल बॉडीज़ को रियासत भी रियासत करार देता है, यानी बलदियाती हुकूमत के बग़ैर रियासत चल नहीं सकती। फिर बलदियाती इलेक्शन करवाना और सियासी इंतज़ामी मालियाती ज़िम्मेदारियाँ और इख्तियारात मुकामी हुकूमतों के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको मुंतकिल करना, ये भी हमारा आइन कहता है। तो सर हम प्रीवियस गवर्नमेंट्स की अगर बात करते हैं तो सर वो इतना लाइट लेती रही हैं इसको, मौजूदा हुकूमत की सीरियसनेस को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए दुनिया भर में जहाँ पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है वहाँ उसके तीन लेयर्स हैं, कौमी असम्बली है, पार्लियामेंट है, सैनेट वगैरह ये सारा मिला के, दूसरे सतह पर सूबाई असम्बली हैं, तीसरे सतह पर बलदियाती इदारे हैं जो ज़िली हुकूमतें उनको कहा जाता है। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमेशा ये समझा गया है कि जनाब वाला कौमी असम्बली के इलेक्शन हो जाएं, सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो जाएं, बस उसके बाद जमहूरियत आ गई है। ये जमहूरियत की नफ़ी है। एक बहुत बड़े पॉलिटिशन से पूछा गया कि जमहूरियत की कामयाबी की वजह हिंदुस्तान में क्या है, ये हिंदुस्तान के पॉलिटिशन से, उसने कहा हमारे बलदियाती इदारे 80 लाख बलदियाती नुमाइंदे जो हैं वो जमहूरियत की मजबूती और कामयाबी और इस्तेहकाम का सबब हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल इसके बरक्स होता है कि अयूब खान हो या जनरल ज़ियाउल हक हो या जनरल परवेज़ मुशर्रफ हो, उनके दौर में तवज्जो दी जाती है बलदियाती इदारों पर, और जब वफाकी हुकूमत यानी सियासी हुकूमत आती है, जमहूरी मुंतखब हुकूमत आती है, वो बलदियाती इदारे ख़त्म कर देती है। पूरे 5 साल भुट्टो साहब इक्तदार में रहे, उन्होंने बलदियाती इदारों के का वजूद ही नहीं माना और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वही चलाते रहे, इलेक्शन ही नहीं कराए। इसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में हुआ, उसके बाद जब जमहूरियत आई तो फिर कोशिश की गई नवाज शरीफ साहब के दौर में, बेनज़ीर साहब के दौर में, कि ये इलेक्शन ना कराने पड़े। ये जो बलदियाती इदारे मौजूदा वजूद में आए हैं, आपको इल्म है कि कई साल तक कोई मुंतखब हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं थी। सिर्फ बलूचिस्तान में इलेक्शन हुए, खैबर पख्तूनख्वा में हुए, पंजाब में और सिंध में बलदियाती निज़ाम ही नहीं था, मुअत्तल किए हुए थे। जब फिर बहाली हुई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कि जी ये आपने बहाल करने हैं, इलेक्शन कराने हैं, तो बदकिस्मती की बात है कि ये दो हुकूमतें जो थीं, सिंध की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, ये सबसे बड़ी क्रिटिक थीं ज़ियाउल हक के दौर की, कि जनाब उस दौर में ये होता था, आमरियत थी, फलां थे, वही निज़ाम 79 का ला के यहाँ मुसलत कर दिया गया, बल्कि उनमें जो इख्तियारात बलदियाती इदारों को थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में ख़ास तौर पर बलदियाती इदारे मौजूद हैं, लेकिन उनके मेयर्स को, उनके डिस्ट्रिक जो चेयरमैन हैं, तहसील चेयरमैन हैं, उनके पास कोई माली इख्तियारात नहीं है, कोई इंतजामी इख्तियारात नहीं है। वो उज़्वे मुअत्तल हैं, वो देखते हैं एमपीएस की तरफ, वो देखते हैं सूबाई हुकूमत की तरफ, और सूबाई हुकूमत ने ऐसे इख्तियारात अपने हाथ में रखे हुए हैं और ऐसे वसायल अपने हाथ में रखे हैं जो बुनियादी तौर पर हक बनता है बलदियाती इदारों का। जनाब इमरान खान साहब एक तजर्बा कर चुके हैं, अगरचे उसमें भी थोड़ी बहुत खामियाँ होंगी खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन मेरा जब आना जाना हुआ तो किसी भी मुस्लिम लीग के आदमी ने, एमएमए के, एएनपी के, किसी बलदियाती नुमाइंदे ने ये नहीं कहा कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हुआ है। वो ये कहते हैं कि फंड्स बराबर मिलते हैं, सिस्टम के अंदर खराबियों की निशानदेही करते हैं कि अभी ये मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं कहते कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होती है। यही सिस्टम अगर पंजाब में आता है तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। ये जो हमें
ईद के दिनों में देखने को मिला कि जनाब वाला आलाइशात कराची में पड़ी हुई हैं, लाहौर में पड़ी हुई हैं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये बेसिकली बलदियाती इदारों की। अगर एक मजबूत फाल बलदियाती निज़ाम मौजूद हो तो ये सेहत सफाई के मसाइल जो हैं वो वज़ीर आला को नहीं देखने पड़ते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये छोटे मोटे जो मसाइल हैं अदालतों में चले जाते हैं, ये भी बलदियाती इदारे मुसालियाती कौंसलें जो हैं उनकी सालसी कौंसलें आसानी से तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी बेहतर हो सकती है। जो इख्तियारात जो हैं उनको मुंतकिल किया जाए, तभी ये तमाम इंतजामी भी माली भी दिए जाएं ताकि आम आदमी जो है वो लाहौर की तरफ ना देखे, वो कराची की तरफ ना देखे, अपनी यूनियन काउंसिल की सतह पर, अपनी तहसील काउंसिल की सतह पर उसके कानूनी मसाइल भी हल हों, इंतजामी मसाइल भी हों और उनको वसाइल भी मिलें। ये जो बड़े बड़े 10-10, 30-30 करोड़ के फंड्स एमपीएस एमएनएस को दिए जाते हैं, सर वही बात है ना, कानून साजी करने वाले नुमाइंदे जो हैं वही एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे होते हैं। जनरल साहब फरमाइएगा, 2001 और 2013 के एक्ट को अगर हम देखते हैं तो 2001 में बहुत से इख्तियारात ऐसे थे जो 2013 में खत्म कर दिए गए बलदियाती नुमाइंदों के लिए। सर इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल होने नहीं दिया गया तो सर क्या कहेंगे बलदियाती नुमाइंदे? अब तक भी हम देखते हैं फारिग बैठे, जैसे इरशाद साहब भी यही फरमा रहे हैं, तो फंड जो है वो बलदियाती नुमाइंदों के बजाय एमएनए और एमपीएस को दे दिए जाते हैं जिनका काम कानून साजी है। पीटीआई अगर अपने कहने पर कायम रहती है तो सर कैसा स्टेप है ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का और सिक्योरिटी पर इसके क्या इंपैक्ट्स पड़ेंगे अगर बलदियाती इदारे जो पावर में होंगे तो? सुमारा थैंक यू वेरी मच। जो इरशाद साहब ने भी बात की है उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि असल जमहूरियत की रूह है डेवोल्यूशन ऑफ पावर। अगर डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो और जमहूर को इख्तियारात ट्रांसफर किए जाए, जमहूर को अपने फैसले करने का इख्तियार दिया जाए तो जमहूरियत की रूह तो यही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये रहा है हमारी इन दो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में कि जो सरकारी फंड्स हैं वो पॉलिटिकल रिश्वत बन गए और एमएनएज और एमपीएज के हाथों में दे दिए गए कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप जाएं और डेवलपमेंट आप करवाएं। उन फंड्स का क्या असर हुआ ये हम सबको पता है, वहाँ कितनी डेवलपमेंट हुई। और इसी तरीके से वो एमएनएज और एमपीएज ने अपने अखराजात जो इलेक्शन में हुए थे उनको रिकवर किया और अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए वो काम करते रहे। लेकिन जो इसकी असल रूह है जो 2001 की आप बात कर रही हैं, उस वक्त भी इख्तलाफ यहीं से शुरू हुआ था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एमपीएस ने और मरकजी असम्बली में एमएनएस ने इस पर बहुत एतराज़ किया और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पर यह दबाव डाला कि जनाब फंड तो आपने लोकल गवर्नमेंट्स को दिए हैं तो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सियासत कैसे करेंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उनको इख्तियारात वापस लिए गए उनसे और उनके वो जो कहते हैं ना टीथ टू टेल रेशो ख़राब कर दी गई और उनको काम नहीं करने दिया गया और ये एक चपकलच बनी रही। लेकिन मुझे अभी मेरा ये कन्विक्शन है, पॉलिटिकल कन्विक्शन है कि इमरान खान साहब अपने अल्फाज से पीछे हटने वाले नहीं हैं और ये उनकी ख्वाहिश है कि डेवोल्यूशन की जाए ताकि जमहूर को एम्पावर करें और लोग अपने फंड को अपने नुमाइंदों के ज़रिए तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस्तेमाल करें और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं एमएनएस एमपीएस ये सिर्फ लेजिस्लेट करें। इसमें उनको अपनी पार्टी के अंदर से भी मुझे यकीन है रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, उनकी मुश्किलात में पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें आनी शुरू होंगी और ओवरऑल जिस जो तर्ज सियासत हमारे मुल्क में है ये असेंबलीज भी उनको बहुत हद तक रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगी। अगरचे आवाम इसकी पजीराई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको बैक करेगी और खुद इमरान खान अपने इस मिशन को आगे पूरा करने के लिए बढ़ेंगे और मेरे ख्याल में यही एक तरीका होगा जुडिशरी के ऊपर से प्रेशर हटाने का ताकि ये जो मसालती कमेटियां और लोकल गवर्नमेंट्स हैं ये छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को वहां रिजॉल्व करें। तो ओवरऑल जनरल साहब अजमल वजीर साहब हैं ना हमारे साथ, उन्हीं से बात कर लेते हैं इन पर कि अगर पार्टी के अंदर से इस तरह की कोई मज़ाहमत सामने आती है अजमल साहब तो फरमाइएगा फिर क्या क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी सर भी यही कह रहे थे कि अगर ये तमाम जो फंड्स हैं तमाम इख्तियारात हैं लोकल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं तो जो एमएनए एमपीएस अपने हलकों में सियासत करते हैं वो किस बेस पर करेंगे, तो ज़ाहिर इस तरह की मुश्किलात तो पेश आएंगी, तो क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर? देखिए जाजावान साहब जो बात कर रहे हैं मैं उसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, ये एमएनए एमपीए का या सेनेटर का तो ये काम नहीं है कि इनको फंड्स आप दो और ये गलियाँ बनाएं। भाई जो उनका काम है इनके मुताबिक उनको वो करने दिया जाए और लोकल गवर्नमेंट जो होता है उनका काम होता है ये जो काम होते हैं नीचे। मैं मसलन आपको खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपको बताऊँ, खैबर पख्तूनख्वा में मुझे खुद यूनियन काउंसिल के नाज़मीन मिले हैं और मुझे खुद वो ये गिला करते थे कि हमारे पास यूनियन काउंसिल
कौंसल से ज़्यादा इख्तियार जो नीचे हैं विलेज कौंसल उनको दिए गए। तो मैं उनको कहता था कि ये तो अच्छी बात है, अब ज़ाहिर है वो जो यूनियन कौंसल का नाज़िम होता था वो ये कहता था कि इख्तियार मेरे पास होना चाहिए। तो जो विलेज कौंसल था वो वहाँ पे जो उसके नीचे था वो ज़्यादा स्ट्रांग है इस वक्त अगर आप देखें, बजाय कि यूनियन कौंसल का जो नाज़िम है वो, और फिर इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप चले। वहाँ पे भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% हमने, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के इरशाद आरिफ साहब ने जो बात की है वो ये बड़ी अच्छी बात है कि मुझे खुद नहीं कहना पड़ रहा है, इरशाद आरिफ साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी खुद कहते हैं कि वहाँ पर किसी ने अभी तक गिला नहीं किया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कोई एहतजाज हुआ हो, कोई ये कहा हो कि जी यहाँ पे ये ज्यादती हुई है या ये मसला हुआ है या ये हुआ। उसका वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आवाम उस निज़ाम को एक्सेप्ट कर चुकी है। हाँ, अब यह है कि वहाँ पे भी अब जिस तरीके से है हमारी, मेरा खुद ये मेरा जाती भी वो है राय है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट नाजिम है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, इसको डायरेक्ट होना चाहिए, बजाय कि ये यूनियन कौंसिल के नाजमीन उसको वोट दे, उसमें बड़ा मसला हो जाता है। एक तो ये है कि वो डायरेक्ट होना चाहिए, फिर टाउन तहसील या जो मेयर होते हैं इनका इलेक्शन भी डायरेक्ट होना चाहिए, ये मजीद मजबूत होगा। और ये जो एक फिर ब्लैकमेलिंग होती है नीचे लेवल की, ये फिर खत्म, उससे भी वो निकल आएंगे। और जो इसका जो वो है जो अभी पंजाब में इंशाल्लाह होकर, पंजाब में जो था वो तो बेसिकली सिर्फ वही बात थी कि वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसकी वजह से उन्होंने सिंध में और पंजाब में ये किया, लेकिन वो दिल से उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया था, इख्तियारात उन्होंने सब अपने पास रखे हुए थे, वही डीपीओ डीसीओ और वो सारे कंट्रोल कर रहे थे वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट जो चेयरमैन है वहाँ, पंजाब के आप देखें वहाँ के यूनियन कौंसिल के चेयरमैन, वो गरीब सारे रो रहे हैं कि हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था। यानी जो निज़ाम उनका था भी उसमें भी वो बे इख्तियार थे, बाख्तियार नहीं थे। इसीलिए जो हमने खैबर पख्तूनख्वा में यही लोग कहते थे 2013 के इलेक्शन हुए वहां पे लोगों ने वोट दिया, आपने देखा इस दफा हमने डिलीवर किया तो हमें 2/3 मेजॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप वहां से ये कोई शिकवा मिला सुनने को नहीं मिला कि काम तो सारे बलदियाती नुमाइंदों ने कर लिए, एमएनएस ने कोई काम नहीं किया, वहां से ऐसा शिकवा वादे नहीं आया। नाजर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि एक रोजा शजरकारी मुहिम का आगाज आज खुद इमरान खान साहब ने किया और जो वादे और दावे उन्होंने किए हैं उनकी अब तकमील की जानब, तकमील की जो मुहिम है उनकी जानब गामजन है। ब्रेक के बाद डिस्कस करें। वेलकम बैक नाजी। इरशाद साहब, एक रोज़ा शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है वज़ीर आज़म साहब ने, 5 साल में 10 अरब पौधे लगाने की प्लानिंग है खान साहब के, सर माहौलियाती मसाइल का भी सामना है। एक मुख्तसर सी बात जो मैंने सुबह मीटिंग का जिक्र किया, वो जो नशस्त थी जिसमें ये सफारतकार भी मौजूद थे शामी साहब के यहाँ, उसमें एक बात जो कही गई उनकी तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से कि जो ये सी पैक का मनसूबा है इसमें जो राजदारी बरती जा रही है इस पर कुछ शकूक व शुबहात का इजहार हुआ, तो मेरे ख्याल है इसको भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है चीन से ताल्लुकात बिगाड़े बगैर। देखिए शजरकारी के हवाले से जब खान साहब ने बिलियन सुनामी की बात की थी तो मजाक उड़ाया गया था, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है पूरी दुनिया में अवेयरनेस मौजूद है, पाकिस्तान में इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई और दरख्त बेदर्ती से काटे गए। आज एक हुकूमत ऐसी आई है जिसको एहसास है, यानी 3 इश्यूज़ ऐसे हैं जिसके खान साहब को इंटरनेशनली सपोर्ट मिल रही है। एक ग्लोबल वार्मिंग के इशू को उन्होंने उठाया और ये दरख्त लगाने और पौधे लगाने और सारा कुछ किया। एक करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत शद्दोमद से बात की जिसको उनको ताइद मिली बैन अवकाम बिरादरी की तरफ से। तीसरा इशू है मनी लॉन्ड्रिंग का जिसका फेटफ से भी ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, हर शहरी को इसमें हिस्सा डालना चाहिए। जनरल साहब, पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर 7वां बड़ा मुल्क है और अनएक्सपेक्टेड जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं इंसानों के साथ हो गया, जानवरों के साथ, फिर इसके अलावा ज़रात आबी मसाइल दीगर कई मसाइल का ये मौजब है, तो सर पहली तब्दीली का आगाज़ कैसा है? आज 15 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सुमारा, हुकूमत वक्त जो प्रेजेंट हुकूमत है वो बड़ी दुरुस्त सिमत में देख रही है और ये बड़ा दुरुस्त फैसला है, ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था, बट नेवर टू लेट।
अभी शुरू कर दिया। मुझे इस पर सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, जो मैं चाहता हूँ कि अरबाब इख्तियार तक पहुँचे, वो पौधे कुछ ऐसे लगा रहे हैं या वो वाटर थर्स्टी हैं, वो बहुत ज़्यादा पानी की उनकी रिक्वायरमेंट है, या और दूसरे पौधे ये वो लगा रहे हैं जो उस रीजन का या उस इलाके का पौधा नहीं है जहां लगाया जा रहा है। अब मैं नाम लिए बगैर, कुछ अहम शख्सियात ने पौधे वो लगाए इस्लामाबाद में जो हाई ऑल्टीट्यूड के पौधे हैं और उनको इस्लामाबाद में लगाया जा रहा है। फिर ये सफेदा और पॉपुलर दो ऐसे दरख्त हैं, इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ होती है लेकिन ये इतना ज़्यादा पानी पीते हैं कि, और फिर ये सीवरेज सिस्टम को डैमेज करते हैं, इनकी जड़ें बड़ी दूर तक जाती हैं। सब बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे पौधे लगाएं जिनका साया हो और जो एनवायरनमेंट को बेहतर करें और कम से कम पानी पर सर्वाइव करें। एक चीज जो है, मुसलमान जो है कभी कोई बेफैज काम नहीं करता। ठीक हो गया सर। फलदार और सायादार पौधे लगने चाहिए। अजमल वजीर साहब, मसाइल का यकीनन तायुन तो है खान साहब को, आगाज के लिए पहले 3 माह का वक्त भी मांगा है, तो सर चेज कर पाएंगे? और सर ये पौधे तो लग रहे हैं, इनकी हिफाजत और मेंटेनेंस के लिए भी कोई मुशावरत हुई है? वैसे जो बात है ना, ये तो देखिए, पाकिस्तान में 70 साल की गंदगी है, इसको साफ करने में जहर है, टाइम तो लगेगा। लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब में वो खासियत भी है और उनकी विल भी है, और उन्होंने आज तक जो कहा है उस पर कायम भी रहे। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो तब्दीली का नारा है ये प्रैक्टिकली सामने आना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक ये बिलियन ट्री का, ये खान साहब ने जब खैबर पख्तूनख्वा में शुरू किया, हाँ ये जनरल साहब जो बात कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह होगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो बिलियन ट्री है वहाँ पे बकायदा ये मीन असलम साहब थे और वहाँ के जो हमारे सेक्रेटरी थे, ये उनके चेयरमैन थे मीन असलम साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इन सारी चीज़ों को देकर इलाके के मुनासबत से ही पौधे लगाए गए वहाँ पे, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ। हाँ अभी जो ये बात कर रहे हैं, ये अगर इस तरह हुआ है या हो रहा है, वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इजाज़ अवान साहब से कि वो इस तरह होना चाहिए। लेकिन मैं ये आपको बताऊँ कि ये वो चीज़ें हैं कि ये वो इनिशिएटिव है कि इसके ऊपर कभी बात ही नहीं होगी। यानी अभी वसाइल का जो आपका मसला है, वो डैम के जो मसाइल है, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला के वो ज्यादा है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये साबित हो गया है कि वाकई पाकिस्तान की आवाम का जो ठीक हो गया। अजमल वजीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।